हेलो एंड नमस्कार एवरी वन, आई एम डॉक्टर मेघा एंड आई होप यू डूइंग वेल इन विंटर्स। वेल, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि सर्दियों में सोरासिस अगर आपको हो रखा है तो सर्दियों में आपको क्या खाना है डाइट में, क्योंकि फूड आइटम्स हमारी बदल जाती हैं, सब्जी फल बदल जाते हैं। तो पेशेंट को सबसे बड़ी क्वेरी होती है कि हम क्या खाएं जिससे सोरासिस हमारा बढ़े भी ना और ठीक होना शुरू हो जाए। तो सर्दियों में अगर मैं डाइट की बात करूँ तो साग, मेथी, बथुआ जो बहुत बनता है सर्दियों में घरों में, तो वो आप अच्छे से सेवन उसका कर सकते हैं, क्योंकि ये आयरन एनरिच है, प्रोटीन एनरिच है। तो आपका आयरन और प्रोटीन की डेफिशिएंसीज अगर बॉडी में हैं तो वो ये पूरा कर देंगे। तो आप साग, मेथी, बथुआ ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर चुकंदर आप ले पाएँ, चुकंदर जूस की फॉर्म में या फिर उबाल के उसको सब्जी की फॉर्म में, सैलड की फॉर्म में, लेकिन उबाल के अगर आप उसको ले सकते हैं तो वो बहुत अच्छा हेल्प करेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा, आपके टॉक्सिन्स रिमूव करेगा। तो आप चुकंदर को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे अगर मैं बोलूँ आलू, मैं मना करती हूँ आलू आपको कम से कम खाने हैं या अवॉइड करने हैं, लेकिन आप स्वीट पोटैटो खा सकते हो। शकरकंदी बहुत अच्छा फूड है, विंटर्स में हम बहुत पसंद करते हैं खाना, तो शकरकंदी आप खा सकते हैं। उससे आपकी बॉडी में जो शुगर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी, अगर आपका वेट लॉस हो रहा है वो भी पूरा हो जाएगा, और आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देगा। तो इंस्टेंट एनर्जी मिलने से आपको वैसे ही अच्छा लगेगा एंड ऑब्वियसली टेस्ट में बहुत अच्छा होता है, तो आप शकरकंदी ऐड कर सकते हैं। सब्जियों में आप कैरेट, मतलब गाजर, मूली, रेडिश, बीन्स, लेट्यूस, लेंटल्स, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ब्रोकली है, तो ये जो सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आप इनका सेवन भरपूर कर सकते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आप दालें पसंद करते हैं तो आप दाल खाइए, दाल आप मूंग, मोठ, अगर ये ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो आपको प्रोटीन आपकी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस पे उसका मात्रा पूरा हो जाएगा। ऑयल अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, जो खाना बनता है वो किस में बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आपके घरों में रिफाइंड ऑयल्स यूज़ होते हैं तो आप उसको अवॉइड करें। आप कोशिश करें कि कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या देसी घी या मस्टर्ड ऑयल, आप इन्हीं में अपना खाना बनवाएं, या इन्हीं में आप घरों में सभी मेंबर्स का इसी ऑयल में आप खाना बनवाएं, ताकि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा ना बने, आपको हार्ट इश्यूज़ ज़्यादा ना हो और आपका सोरासिस एग्रावेट ना हो। एट द लास्ट मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगी कि आजकल बहुत कीटो डाइट को प्रमोट करा जा रहा है, वेट लॉस करना है कीटो डाइट, जिम जा रहे हैं कीटो डाइट। तो कीटो डाइट वैसे तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको सोरासिस है या सोराटिक आर्थराइटिस है तो आप कीटो डाइट फॉलो नहीं कर सकते, आपके लिए पर्सनली वो कस्टमाइज नहीं है या पर्सनली वो ठीक नहीं है। द रीज़न बीइंग, कीटो डाइट कार्ब्स को मना करते हैं खाने के लिए, फुली प्रोटीन एनरिच्ड होता है, तो प्रोटीन खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सोरासिस में हम हाई कैलोरी प्रोटीन खा नहीं सकते, क्योंकि आपका लिवर इफेक्ट होगा, आपके लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और लिवर के लेवल डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म और एसिमिलेशन स्लो डाउन हो जाएगा और आपका सोरासिस एग्रावेट कर जाएगा। तो आप एक मॉडरेट डाइट फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फुली कीटो डाइट आप फॉलो नहीं करेंगे अगर आपको सोरासिस है या सोराटिक आर्थराइटिस है। तो बी अवेयर, आप जिनसे भी डाइट ले रहे हैं और आपको सोरासिस है तो आप उनसे कस्टमाइज कराइए, ताकि आपको मॉडरेट प्रोटीन पे डाले, ना कि फुली प्रोटीन पे डाले। और अगर आपको सोरासिस और वो ठीक नहीं हो रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरे डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करें, हमसे आके मिलें और अपने सोरासिस को जड़ से ख़त्म करें। थैंक यू एंड स्टे ब्यूटिफुल।